हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल एचके आइडिया पर। हम सभी जानते हैं कि पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहा है। वहीं बीते महीने फिल्म इंडस्ट्री को कई झटके लगे। पिछले 21 दिन में बड़े बड़े 8 अभिनेताओं की मौत हुई। इनमें से किसी की बीमारी से मौत हुई तो किसी ने की सुसाइड। क्या आप जानते हैं कौन कौन से अभिनेता की हुई मौत? तो आइए जानते हैं। मनमीत ग्रेवाल, मुंबई के खार इलाके में रहने वाले टीवी अभिनेता मनमीत ग्रेवाल ने खुदकुशी कर ली। 32 साल के अभिनेता अपनी पत्नी के साथ फ्लैट में किराए पर रहते थे। लॉकडाउन की वजह से टीवी सीरियल का काम बंद पड़ा है। ऐसे मनमीत आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शफीफ अंसारी, 10 मई को टेलीविजन के मशहूर एक्टर शफीफ अंसारी का निधन हो गया। शफीफ कैंसर से पीड़ित थे। शफीफ ने क्राइम पेट्रोल में विभिन्न किरदार किए। 52 साल के शफीफ अंसारी ने मुंबई में अंतिम सांस ली। सचिन कुमार, सीरियल कहानी घर घर की में नजर आ चुके एक्टर सचिन कुमार का 15 मई को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह मुंबई के अंधेरी में रहते थे। 42 साल के सचिन अभिनेता अक्षय कुमार के कजिन थे। इरफान खान, इंडस्ट्री में उस समय शोक की लहर दौड़ पड़ी जब अचानक ही एक्टर इरफान खान का निधन हो गया। इरफान का निधन 29 अप्रैल को हुआ था। वह कैंसर से पीड़ित थे। ऋषि कपूर, जहां एक तरफ लोग अभी तक इरफान के निधन के सदमे से उभरे नहीं थे, वहीं 30 अप्रैल को दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। ऋषि कपूर 1.5 साल से ल्यूकेमिया से लड़ रहे थे। साई गुंडेवर, पीके और रॉकॉन जैसी हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर साई गुंडेवर ने भी 10 मई को अमेरिका में अंतिम सांस ली। साई पिछले 1 साल से ब्रेन कैंसर से लड़ रहे थे। बॉलीवुड कलाकारों सहित महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। अमोस, एक्टर आमिर खान के असिस्टेंट अमोस ने 12 मई को अंतिम सांस ली। वह 60 साल के थे। अमोस करीब 25 साल से आमिर के लिए काम करते थे। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमोस के बहुत से करीबी लोग भी थे। अमोस का निधन हार्ट अटैक से हुआ था। अभिजीत, शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी के एक अहम सदस्य अभिजीत का निधन हो गया। अभिजीत रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की शुरुआत से जुड़े थे। 15 मई को ट्वीट कर जानकारी दी। अभिजीत के निधन के बाद शाहरुख खान ने कहा, अभिजीत मेरा सबसे अच्छा सहयोगी था। हमने फिल्म बनाने की यात्रा साथ में शुरू की थी। We'll be right back.